हेलो फूडी, स्वागत है आपका कुक सोनिया में। आज चलिए बनाते हैं फ्रेंड्स आज सबका फेवरेट चोको बार। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल मेथड से चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध ले लिया है जो कि फुल फैट क्रीम दूध है, और इसको हम गैस पे रख देंगे बॉयल होने के लिए। जब तक ये बॉयल होगा हम इसमें से क्या करेंगे, थोड़ा सा दूध एक बॉल में ले लेंगे और इसको हम फाइन पेस्ट बनाएंगे। और इसमें मैं डालूंगी 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर और इसको डाल करके बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए, और ये देखिए बिल्कुल लम्स नहीं है, अच्छे से मिक्स हो गया। और चलिए तब तक हम क्या करेंगे, हमारा दूध बॉयल हो चुका है तो हम इसमें डाल देंगे 1 कप चीनी। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ही चीनी डालना, आपको ज़्यादा पसंद है कम पसंद है आप उसी के अकॉर्डिंग डालना। तो देखिए हमारा दूध बॉयल हो चुका, चीनी भी मैंने डाल दिया और चीनी बहुत अच्छे से घुल चुका है। तो हम उसमें डालेंगे हमने जो पेस्ट बना करके रखा था वो, तो मैंने पेस्ट बनाया था कॉर्नफ्लोर का, वो डाल दिया। और इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कीजिएगा, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है वरना ये नीचे से बैठ के जल जाएगा। तो ये देखिए मैंने 5 मिनट ही चलाया है और ये देखिए बहुत अच्छे से थिक हो चुका है, बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार हो चुका है जैसा हमें चाहिए इस आइसक्रीम को जमाने के लिए। तो अब इसी स्टेज पे गैस ऑफ कर दीजिए और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए 5 मिनट में ही। देखिए ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है, ठंडा होने के बाद ये कितना थिक हो चुका है फ्रेंड्स, हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। चलिए इसको मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और ये देखिए मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया, और मैं इसमें 1 डब्बा लूँगी और उसी में मैं सारा का सारा कंटेनर में डाल करके इसको ऊपर से एक प्लास्टिक से कवर करके इसको फ्रिज में रख दूँगी 4 से 5 घंटे के लिए। और ये देखिए फ्रेंड्स मैंने 5 घंटे के बाद इसको निकाला, और ये देखिए इसकी जाली कितनी खूबसूरत सी जाली आई है। और अब हम इसको निकाल लेंगे फिर से उसी जार में जिसमें हमने इसको एक बार फर्स्ट टाइम ब्लेंड किया था। और ये देखिए फ्रेंड्स ये कितना थिक हो चुका है और ये कितना क्रीमी अभी से ही लग रहा है, लेकिन फिर भी हम इसमें डालेंगे मलाई जो कि दूध की मलाई है। अगर आपके पास दूध की मलाई नहीं है तो आप अमूल की फ्रेश क्रीम ले लेना, अगर वो आपके पास व्हिपिंग क्रीम है तो आप वो भी ले सकते हो। और उसी में हम थोड़ा सा डाल देंगे वनीला एसेंस फ्लेवर के लिए ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए, और इसको हम अच्छे से फिर से ब्लेंड कर लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आपके पास अगर चॉकलेट मोल्ट है तो उसमें डाल दीजिए, आइसक्रीम मोल्ट है उसमें डाल दीजिए। तो मैंने जमने के लिए रख दिया है, और ये देखिए मैंने थोड़ी सी डार्क कंपाउंड ले लिया, इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। और ये देखिए मैंने काट लिया, और इसको चलिए डबल बॉयलर की मेथड से इसको हम बॉयल करेंगे, इसको यानी कि पिघलाएंगे। तो ये देखिए मैंने नीचे कटोरी में पानी रख दिया और उसमें मैं इस चॉकलेट का बाउल रख रही हूँ ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए। और बीच बीच में आप इसको ना चलाते रह, इसको छोड़ना बिल्कुल ना, चलाते ही रहिएगा। और जब ज़्यादा देख लो कि आपका बाउल गर्म हो जाए ना तो आप इसको नीचे उतार देना। और ये देखिए बहुत अच्छे से ये जो है वो हो चुका है, मतलब कि मेल्ट हो चुका है हमारा बिल्कुल भी चॉकलेट। तो इसमें मैं थोड़ा सा घी डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिया, और ये देखिए फ्रेंड्स कितना क्रीमी लग रहा, कितना लाइट आ चुका है। तो हमने जो ये आइसक्रीम जमाया था ना, बस अब हम सारे के सारे निकाल लेंगे। और ये देखिए मैंने डिस्पोजल ग्लास में भी जमाया था, तो इसमें मैंने देखिए इस तरह से आप सारी की सारी आइसक्रीम में कवर कर लीजिए। और एक थाली मैं पहले ही फ्रिज में रख दिया था ताकि वो अच्छे से ना वो ठंडी हो जाए, और जब वो थाली ठंडी रहे और उसमें हम आइसक्रीम जब रखें तो हमारी आइसक्रीम पिघले ना और वो बिल्कुल भी अच्छे से वो सेट हो जाए जो चॉकलेट हमने ऊपर से कवर किया है। तो इसी तरह से अब सारी के सारे आइसक्रीम हमने जो जमाया था आइस मोल्ट में या फिर जो हमारी आइसक्रीम मोल्ट होती है, तो ये देखिए गाइज उसके बाद मैंने इसको सर्व किया है इस तरह से। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।